प्रार्थनाओं के बीच आया हूँ, उनका प्रतिनिधि बनने के लिए। जब पार्टी का आदेश होता है तो कार्य करता हूँ। 77 साल की उम्र में पदयात्रा के जरिए एक बार फिर से राजनीतिक सफलता की कोशिश में हैं दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश की राजगढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस ने 77 साल के दिग्विजय सिंह पर दांव लगाओ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह 3 दशक बाद अपनी परंपरागत सीट से मैदान में हैं और उनने पदयात्रा के जरिए प्रचार करवे की योजना बनाई है। दिग्विजय सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी पदयात्रा 31 मार्च से शुरू कर चुके हैं। पैदल चल चल के वे लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं को कवर करें। 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा से शुरू भई जा पद यात्रा। और कांग्रेस पार्टी के नेता बताते हैं कि दिग्विजय सिंह एक विधानसभा में लगभग 60 किलोमीटर पैदल चलें और 8 विधानसभाओं में रोजाना औसतन 20 से 25 किलोमीटर चलें। विधानसभा के बाकी हिस्सा में स्थानीय नेता पदयात्रा निकाल के जनता को कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराएं। दिग्विजय सिंह पहली बार कोनू यात्रा पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि कछु साल पहले दशहरा के दिन नर्मदा पदयात्रा पर निकले। कांग्रेस पार्टी के महासचिव पद से बाकायदा 6 महीना की छुट्टी लई और 9 अप्रैल 2018 को यात्रा को समापन भाव तो 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग पे नर्मदा जल चढ़ावे के संगे उनकी यात्रा को समापन भाव और इसके संगे 6 महीनों के संन्यास के बाद दिग्गी राजा राजनीतिक तौर पर फिर सक्रिय भय। और इसके बाद मध्य प्रदेश में बन गई थी कांग्रेस की सरकार, लेकिन जब सरकार ज़्यादा चली नहीं फिर भाजपा की सरकार बनी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की बुरी हार भई मध्य प्रदेश में, लेकिन जब लोकसभा को टेम आओ तो जिते लोकसभा में कई सारे दिग्गज चुनाव लड़वे से पीछे हट गए हैं कांग्रेस के, होते दिग्विजय सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद वे अपने पुराने स्टाइल यानी पदयात्रा के जरिए क्षेत्र में घूम रहे हैं और उनको उम्मीद है कि उनकी बाकी पदयात्राओं की तरह जा पदयात्रा भी उनको सफलता दे। आप किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? तो राजगढ़ के मतदाताओं के बीच आया हूँ, उनका प्रतिनिधि बनने के लिए। कुछ दिन पूर्व आपने ही मना किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा था, लेकिन जब पार्टी का आदेश होता है तो कार्य करता। एक तरफ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 के तहत छिंदवाड़ा तक पे जम के आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, उतई राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की जा सक्रियता बता रही है कि दिग्विजय सिंह अपनी सीट पे चुनाव हल्के में नहीं लड़ रहे। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।